हमारे लिए इतने सारे गिफ्ट लाए कि मन कर रहा है दुकान खोले। बाकी इतनी सारी हमने दुकान खोले थे। हमारे यहाँ आ चुके हैं आज कुछ स्पेशल मेहमान सपनों का शहर मुंबई से। चूल्हे पे रोटी बनाने नहीं आती है, आज सीख लो मेरे। ध्यान से देखो, मम्मी और मेरे लिए सबसे ज्यादा पसंद है। हम जो लो ने जो काटने अब जाके रख। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी, मेरे गांव का नाम है तैला जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो हो चुकी है एक नई दिन की शुरुआत। मौसम की बात की जाए तो अभी धूप नहीं लगी, सुबह सुबह सामने के पहाड़ियों पे अच्छी सी धूप लग जाती थी, पर आज ना आसमान में चारों तरफ बादल ही छाए हुए हैं। सूर्यदेव भी यहाँ पे प्रकट हो चुके हैं, पर बादल छाने के कारण सूर्यदेव कम दिखाई दे रहे हैं। इस साइड तो पूरे बादल छाए हुए हैं, इस साइड मौसम थोड़ा साफ हो रखा है। कि अभी सुबह सुबह मेरी तैयारी भी हो गई है खेत जाने के लिए। आज हम खेत में जौ काटने के लिए जा रहे हैं, मतलब फसल काटने के लिए जा रहे हैं। खेतों का काम सीधे स्टार्ट हो जाएगा, जौ काटने, गेहूं काटने। जो कि भारी तो मम्मी कल शाम को ही ले आई थी, यहाँ पे रख रखी है जौ। और जौ कुछ ऐसे होते हैं, और ये रही जौ की बाली, और दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। और गेहूँ की फसल भी दिखने में कुछ ऐसी ही होती है। मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी खूबसूरत से सार में, बाकी चाची जी भी आ रखी हैं। चाची जी भी जा रही हैं अपने खेत में जो काटने के लिए। मम्मी चली गई वहाँ नीचे पे, मम्मी ने एक पूरा काट भी लिया, तो अभी मेरे को वहीं पे जाना है। तो चलो चाची जी। मम्मी ने यहाँ खेत में मेरे से पहले आके दो पुले बांध दिए हैं। मम्मी आराम से आ गई है, पता नहीं क्या कर रही है। ओ दोस्तों, राधे राधे सभी लोगों को, जय माता दी। अभी आए हम जो लोने जो काटने, अभी हम घर में पूजा पाठ करा तब आ जाके आ गए, तब जाके आ गए। रगबग हो रही है, रगबग हो रही है। चाची जी बोल रही है अपने आप, बोले बोले अपने आप हंस रहे। बाकी कल देखो मम्मी ने इतना सारा काटा शाम को, और अभी ना कम ही रह रखा है काटने के लिए। इसके बाद हमको जाना है दूसरे वाले खेत में, तो अभी लगते हैं काटने पे। दीदी जी भी जा रही हैं घास लेने के लिए, बुजुर्ग भी हो गए पर फिर भी काम पे लगे हुए हैं। इस खेत के ना हमने सारे जो काट लिए हैं, बाकी यहाँ ना नीचे की तरफ थोड़े से हरे हरे रह रखे थे, तो हमने सोचा हरे भी क्या काटना जब वो किसी काम ही नहीं आएंगे, तो इनको काटेंगे हम बाद में जब किसी दिन यहाँ घास के लिए आएंगे ना उस दिन। और मम्मी को पता नहीं क्या हो गया, जुकाम लगे, बार बार छींक रही है मम्मी। अभी इतने जो काटे हैं हमने, इसका लगाते हैं हम यहाँ पे भारा। इस जो के भारे को रखना है हमने ऊपर सार में, और उसके बाद जाना है हमने दूसरे खेत में, क्योंकि इस खेत में बस अभी एक ही भारा हुआ है। एक तो मम्मी कल ले गई थी, तो अभी दूसरे खेत में एक भारा और काटेंगे मेरे लिए, उसके बाद जाएंगे घर। अभी यहाँ पे जौ का भारा भी लग चुका है, बाकी ये होता है बहुत ही ज़्यादा भारी, जो इसकी बालियाँ होती है ना ये होती हैं भारी। उठाते हैं अभी, उठाते सही गाइस, भारी हो रहा है गरु। अभी चलते हैं, अभी बहुत ज्यादा भारी है, हद से ज्यादा भारी है। चलो अभी ना मैंने ये भारा रास्ते में रख दिया है, बाकी अभी चलते हैं उधर खेत में। अभी जी भी आ रखी हैं जो काटने के लिए, और खेत में ही घ्यू छांग रही हैं जो। अभी मैं खेत में जा ही रही थी कि मम्मी ना खेत से इधर आ गई, कि उधर के जो ना अभी हरे हरे हैं तो अभी नहीं काटे, तो मम्मी भी आ गई। अभी घर जाते हैं, घर का काम करेंगे अब, कि सुबह सुबह सूर्यदेव तो बादलों के अंदर छिपे हुए थे, उनसे बादलों के अंदर जाते रहा नहीं गया। अभी खुले आसमान में आ चुके हैं, और बहुत ही तेज धूप हो रही है, तो चलो अच्छा हुआ एक बार हमने काट लिया था, अब कभी और दिन काटेंगे, घर का काम करते हैं। तो पूरे सार, पूरी सार हरी भरी दिखाई दे रही है, बस गेहूँ और जो ही हो रखे हैं पूरे सार में, और बहुत ही खूबसूरत सी फसल हो रखी है। घर पे आके जो का भरा मैंने यहाँ पे रख दिया, ये तो कल मम्मी ने रख दिया था।
अभी निकालते हैं इस पे का जोड़ा। तो गाइस अभी हो चुकी है शाम और आज ना हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आ रखे हैं। वो लोग जो हमारे यहाँ कभी आते भी नहीं थे, आज ताई जी भी आ गई हमारे तो सभी लोग आ रखे हैं हमारे। ताई जी की आज छुट्टी है ना, इसलिए ताई जी हमारे यहाँ आ रखी हैं, वरना ताई जी कहीं नहीं जा पाती हैं। हाँ, और बड़ी वाली ताई और पराजी की मम्मी भाभी जी आते रहते हैं। बाकी आज आ रखे हैं सब हमारे यहाँ पे जो छानने के लिए, जिनको हम सुबह सुबह लाए थे। अभी ना और ये जा रही है घास के लिए, लोग जा रहे हैं शाम के समय घास के लिए। ये लोग लगे हुए हैं यहाँ पे जो छानने पे, तब तक मैं सबके लिए बनाती हूँ गर्मा गर्म चाय। हमारी सौम्या सुनैना भी मजे से बाहर पे हैं, हमको देख रहे हैं क्या कर रहे हैं भले। और सुनैना की नजर है इस पे, ये कौन आ गई आज है। हेलो पराची। हेलो पराची की चोटी देखो आज क्या मस्त बांध रखी है, बड़ी बड़ी इतने लंबे बाल हो गए पराची तेरे, लंबी चुपली हो गई। अच्छा सुनैना देख रही है इसको, ये कौन है भले। वो इतना गर्म हो रहा है कि चाय पीने के लिए सब मना कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने सबके लिए बना दिया है ठंडा ठंडा सा बुरास का जूस। तो अभी लेके चलते हैं इसको छत में। ऊपर छत में गेहूँ छानने के बाद सब तो घर चले गए, और मम्मी लगी है यहाँ चौक में गेहूँ छानने पे अकेले। मम्मी अकेले बेकार लग रहा है, बेकार नहीं लगेगा। अभी तक ताई चाची भाभी सब थे, अभी तक ना हम जो छान रहे थे, और अभी छान रहे हैं हम गेहूँ। और गेहूँ कुछ ऐसे होते हैं, इनके अंदर ना रहते हैं गेहूँ। गेहूँ के बीज दिखाओ, मैं सभी देखते रखते होंगे इसके अंदर ये रहे गेहूँ। गेहूँ पता नहीं कहाँ उड़ गए, ये रहा गेहूँ का बीज। हाँ ये हो चुका है शाम का समय, बाकी हमारे यहाँ आ चुके हैं आज कुछ स्पेशल मेहमान मुंबई से। हाँ सपनों का शहर मुंबई से। तो कैसे हो आप आंटी जी? बिल्कुल ठीक हो आंटी जी? अच्छा लग रहा है मुझे और बहुत खुश हुई तुमसे मिलके। अच्छा भी लग रहा है और हालत भी उतनी खराब हुई यहाँ पहुँचते पहुँचते के लिए, वो समझ नहीं था ना पहली बार आए। हाँ और साथ में अंकल जी भी आ रखे हैं। अंकल जी बताओ कुछ कैसे लगा यहाँ के? यहाँ तो अच्छा रास्ता है, बहुत हाय चॉक टू तुम दोनों को। आप लोगों के लिए तो कमाल है भैया, आप लोग कितना वो करते हैं हम लोग नहीं करते। हम लोग से यहाँ आने में हमारे ये सब ढीले हो गए, हालत खराब, क्योंकि हमें तो यहाँ की आदत पड़ी हुई है। तो हमें ठीक है, हाँ 200 मीटर ये रोड, ये तो बिना खाली हाथ के भी खतरनाक है। हेलमेट था आपने? बाकी गेहूँ छानने के साथ साथ मम्मी ने यहाँ पे गाय भैंसों के लिए पीना रख रखा है जंगोरे, जिसका बनता है भात। तो दोनों काम साथ साथ हो रहा है, और यहाँ पे बन रहा है उसके लिए पौष्टिक आहार, जो कि हर तीसरे दिन में बनता रहता है। कि अभी देखो मम्मी और उन्हें चाची ताई और उन्हें इतने सारे गेहूँ छाने, जो कि मैं ऊपर से नीचे ले आई, और मम्मी अभी तक यहाँ पे भी लगी हुई थी। तो इतने सारे गेहूँ छाने आज आज में। अभी हो चुका है मम्मी का गौशाला जाने का टाइम, भैंस के पास दूध निकालने के लिए। मम्मी थक कितनी लगी आज? बहुत ज्यादा लगी, आज बहुत सारे गेहूँ छान लिए हैं। वो तो दादी ने छाना, दादी ताई सब लोगों ने, कितना काम निपटा आज। हाँ कितना, हाँ अभी ताई जी भी आ रखी थी हमारे साथ गेहूँ छानने के लिए। ताई जी ने भी बहुत ज़्यादा मदद की हमारी, हर दिन मतलब मम्मी गेहूँ का भाड़ा लाती हैं और सीधे ताई जी आ जाती हैं छानने के लिए। ताई जी आपने सक लिया गेहूँ काट के? अच्छा ताई जी के भी अभी बहुत सारे रह रखे हैं, तो हमको बोल देना मदद करने के लिए जब आपके होंगे। ताई जी ने बहुत ज़्यादा मदद की, अभी काट लिए वाले, अभी उनको छानना है जैसे ये छाने, उसके बाद उनको कूटना है। बहुत लंबी प्रोसेस होती है इनसे गेहूँ के बीज निकालने तक की। तो अभी ना थोड़ी देर में अंधेरा भी होने वाला है। बाकी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लड़की बार बार कपड़े क्यों बदल रही है। तो अभी मैं गौशाला गई थी ना, तो सुना इन्होंने अपनी पूछ चलाई, सारा गोबर मेरे कपड़ों पे, इसलिए कपड़े चेंज करने पड़े। बाकी ना अभी आंटी और अंकल जी गए हैं घूमने के लिए भाई के साथ, और जैक मेरे को देख के भूख रहा है नीचे, तो उसको मेरी याद आ गई। सनसेट भी हो ही चुका है, और धीरे धीरे करके चारों तरफ लोगों के घर की लाइटें भी खुलने लग गई है। यहाँ से तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि कल ना आग लगी थी बहुत ज़्यादा, जिस कारण धुंध छाई हुई है चारों तरफ। गाइस ये ब्लॉग तो सेम रहेगा पर दिन दूसरा है, तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। तो जैसे कि आपने कल देखा होगा कि हमारे यहाँ रखे थे सीधे मुंबई से कुछ मेहमान, तो अभी वो मेहमान जा रखे हैं सार घूमने के लिए भैया के साथ।
और अभी सुबह सुबह हमारे सामने के आधे गांव में अच्छी सी धूप भी लग चुकी है, और अभी यहाँ नहीं लगी, यहाँ तो सीधे 8-9 बजे ही धूप लगेगी। और कल ना सामने की पहाड़ियों पे आग लगी थी, इसलिए चारों तरफ धुंधी धुंध छाई हुई है फिर से। अभी मैंने बाहर पे भी अच्छी सी आग जला दी, क्योंकि मुझे बनाना है यहाँ पे सबके लिए खाना, तो अभी मैं बनाऊंगी यहाँ पे रोटी। इसको चूल्हे पे रोटी बनाने नहीं आती है, आज सीख लो मेरे से, ध्यान से देखो कैसे बनाती हूँ मैं रोटी। अंकल और आंटी ना हमारे लिए इतने सारे गिफ्ट लाए कि मन कर रहा है दुकान खोल ले। बाकी मैं दिखाती हूँ कि हमारे लिए क्या क्या लाए। ये तो इतनी सारी लैगी ला रखी हैं मम्मी और मेरे लिए, बाकी इतनी सारी जींस ला रखी हैं भाई मेरे लिए, पापा के लिए, सबके लिए। एक ये भी है हाँ, ये भाई की है। बाकी मम्मी के लिए सुंदर सुंदर से साड़ियाँ ला रखी हैं, और एक साड़ी मेरे लिए भी ला रखी है बहुत ही सुंदर, ये वाली। और ये कुर्ती जो कि मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है, बाकी इतनी सारी है, हमने दुकान खोल रखी है, इनको छोड़ती है तो हमको मिले हैं। रसगुल्ले खाने भी आ जाओ, और ढोकले हमने कभी नहीं खाया, आज बना के खाएंगे। ढोकले ढोकला 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 और जो पास से देख रहा हूँ, जो पास से देख रहे होंगे वो रसगुल्ला खाने आ जाओ जल्दी जल्दी, हम बना रहे हैं भाई। गाइस अभी हो चुकी है रात, बाकी हमने खाना भी बना लिया है, और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।